कार्यालय की कार्यक्षमता, कार्यालय में फर्नीचर और बाकी सारी बातें जो आएगी आनी पड़ेगी, वो लोकर रीति है, उससे अलग तो हमको चलना नहीं है, परंतु उस पर निर्भर नहीं है, हमारे करने पर निर्भर है। वो चलेगी, पूरा प्रयास करने के बाद नहीं भी चलेगी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी चीज है उसमें गड़बड़ होती ही है। अब आप में से कुछ लोग हैं जिनको ऐसी व्यवस्थाएं बार बार करनी पड़ती है, उनको मन में खटका होगा कि क्या है बार बार माइक जा रहा है, बैटरी नहीं देखते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा लगता है। लेकिन मैं भी व्यवस्था करने वाला व्यक्ति हूं, मुझे पता है ऐसे ही एक कार्यक्रम में हमारे सरसंघ चालक जी, मैं तब एक नागपुर का प्रचारक था, बाड़ा साहब जी सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा देखो कल के उत्सव में अध्यक्ष जी का भाषण, मेरा भाषण पूरा टेप करना। पंजाब से अध्यक्ष आए थे सरदार अवतार सिंह जी, उस समय एक परिस्थिति चल रही थी, उसके चलते बड़ा महत्वपूर्ण था उसका टेप होना, क्योंकि वो इनको भी हमको भेजना है। मैंने कहा सारी व्यवस्था कर दी, व्यवस्था एकदम ठीक थी। जैसे उनका प्रवेश हुआ और इधर स्वागत प्रणाम की आज्ञा हुई, वो एम्पलीफायर ही जल गया। अभी किसके हाथ में, अब दो रखे थे इसलिए वो कार्यक्रम तो चल रहा था, उसमें व्यवधान नहीं आया, लेकिन भाषण जिस पर होना था वो एम्पलीफायर जल गया। भागदौड़ की, वो लाया एम्पलीफायर, बिठाया, भाषण सबको सुनाई दिया, लेकिन उसमें वो कैसेट निकाल के रखी थी, फिर से ढालना भूल गए। अब ये होता ही है, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल, ऐसा एक मर्फीज लॉ है। तो ये जो बाहर की बातें हैं उनका भी ठीक चलना, और वो बिगड़ भी गई तो भी कार्य ठीक चलना, हम लोगों पर निर्भर है। हमारे कार्य में, किसी भी कार्य में, जैसे जैसे कार्य बड़ा होता है ये सब आवश्यक हो जाता है, और वो प्राप्त करना भी चाहिए, वो पुरुषार्थ ही आकांक्षा है, लेकिन उस पर हम निर्भर नहीं है, उसको भी ठीक रखना ये हम पर निर्भर है, क्योंकि हम संगठन है।